दोस्तों जो भी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, चाहे वो आपके रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो आपके कॉमर्शियल टावर हो, या फिर जो आप बड़े बड़े ब्रिजेस की बात करते हैं, चाहे वो मेट्रो का ब्रिज हो, चाहे वो आपके फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो आपके अंडरपासेस का काम हो, अगर इनमें आप फाउंडेशन देखेंगे तो फाउंडेशन के नाम पे आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो आपका राफ्ट फाउंडेशन होगा या फिर आपका पाइल फाउंडेशन होगा। मोस्टली हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रेफर कर रहे होते हैं इतने हैवी लोड के लिए। आप सभी को पता है गली मोहल्ले में जो 4-5 माले की बिल्डिंग्स बनती है उसमें कोई इंजीनियर को नहीं पूछता, सारा काम तो ठेकेदार खुद ही कर लेता है, लेकिन जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं मोस्टली सभी में हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज कर रहे होते हैं। तो आज के सेशन में आपको पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड काफी सारे टेक्निकल पॉइंट्स, टेक्निकल टर्म्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पाइल का हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रिइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग हमेशा वीडियोस में कमेंट करते हैं कि सर ये एक्सेल फाइल कहाँ से मिलेगा, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये आईएस कोड कहाँ से मिलेगा, ये पीपीटी कहाँ से मिलेगा। तो इन सब के लिए आप हमारा एप्लीकेशन रिइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर हमारा एप्लीकेशन रिइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए। तो जितना भी आप वीडियोस में कॉन्टेंट देखते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे पीपीटी हो, चाहे वो आईएस कोड हो, चाहे एक्सेल सीट्स हो, ये सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन रिइंफोर्स के फ्री कॉन्टेंट में मिल जाएंगी। अब चलिए अपने मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पाइल फाउंडेशन में हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पाइल फाउंडेशन के लिए हम लोग आईएस कोड 2911 यूज करते हैं और इसमें भी आपके चार पार्ट हैं, आईएस 2911 पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका आईएस 2911 का पार्ट फर्स्ट है वो आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन, और इसमें भी आपके अलग अलग सेक्शन हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन फर्स्ट में आपका ड्राइव कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट पाइल है, सेक्शन सेकेंड में आप देखेंगे तो आपका बोर्ड कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट पाइल है, सेक्शन थर्ड में आपका ड्राइव प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल, सेक्शन फोर में आप देखेंगे तो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स इन प्रीबोर होल्स। इसके बाद देखेंगे तो आपका आईएस 2911 का पार्ट सेकंड है, जो कि कोड फॉर द प्रैक्टिस फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन टिम्बर पाइल्स के लिए। आईएस 2911 का पार्ट थ्री है, जो कि आपका अंडर रिम पाइल्स के लिए है, और आईएस 2911 का पार्ट फोर है, जो कि आपका लोड टेस्ट ऑन पाइल, पाइल फाउंडेशन पर जो आपके लोड टेस्ट होते हैं उसके लिए। तो ये इतने सारे आईएस कोड है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको गजब का नॉलेज मिल रहा होगा, मजा आ जाएगा, लेकिन पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। बाकी आप चाहेंगे तो हम आने वाले सेशंस में आईएस कोड पर डिटेल में बात करेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ नॉर्थ रेफर्स टू द पाइल फाउंडेशन। अगर आप हाईवेज में काम करते हैं, ब्रिजेस में काम करते हैं, तो आपने नॉर्थ के बारे में सुना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का कोड बुक आता है हाईवे और ब्रिजेस के काम के लिए, तो उसके लिए हम लोग पाइल फाउंडेशन का कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, वो है आपका सेक्शन 1100। यदि आप नॉर्थ का सेक्शन 1100 पढ़ेंगे तो आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जो कि आपको ब्रिजेस में काम करने में बहुत हेल्प करेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द आईआरसी कोड फॉर द पाइल फाउंडेशन। अब पाइल फाउंडेशन में हम लोग आईआरसी कोड का भी यूज करते हैं, आईआरसी यानी आपका इंडियन रोड कांग्रेस। तो जो आप देखेंगे तो जो आपके ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, रोड ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, तो उसमें आईआरसी कोड लगता है, और आईआरसी कोड है आपका 78। तो जब आप आईआरसी 78 खोलेंगे, जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर रोड ब्रिजेस, तो उसमें आपको पाइल फाउंडेशन का डिटेल मिलेगा कि किस तरह से जो ब्रिजेस बन उनमें हम लोग पाइल फाउंडेशन देते हैं, तो उसका डिटेल आपको वहां पे मिलेगा। और हाँ दोस्तों, फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली आ रहा है, लेकिन आप लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास जॉब नहीं है। कई सारे लोग हैं जो जॉब की वजह से परेशान है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब है लेकिन उनका सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्किल्स। आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, उन्हें आप इंक्रीज करिए। इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। और स्किल्स को प्रोवाइड करने के लिए रिइंफोर्स इस दिवाली पे लेके आ रहा है अपना प्रीमियम पैकेज CPL 7.0। और ये रिइंफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें हमारे फ्यूचर में जो भी कोर्स मिलेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, और ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। तो आपको फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस कोर्स को सीख के फ्यूचर में जो भी स्किल्स आप एक्वायर करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो सारी कर सकते हैं। हमने अपने आप को अपडेट कर लिया CPL 6.0 से CPL 7.0, तो आप लोग भी तो अपने आप को अपडेट करिए। और ये रिइंफोर्स का अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है, जिसमें हम 17,500 का CPL आपको 10,000 में नहीं, 8,000 में नहीं, मात्र आपको 6,999 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ऑफर आपका
26 अक्टूबर को शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, हमारे एप्लीकेशन में लाइव हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हाउ इज द मेजरमेंट ऑफ पाइल फाउंडेशन टिपिकली डन। तो जो पाइल फाउंडेशन होते हैं उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाइल फाउंडेशन है उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है आपका रनिंग मीटर में। अब आप बोलोगे सर पाइल फाउंडेशन में तो कॉन्क्रीट आती है, कॉन्क्रीट के आइटम्स तो मीटर क्यों बनते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार पूछा जाता है कि पाइल फाउंडेशन की जो आइटम बनती है वो आपकी रनिंग मीटर में बनती है डायमीटर के हिसाब से, और पाइल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है फाउंडेशन लेवल से लेके आपके पाइल कट ऑफ लेवल तक। तो आपकी अलग अलग तरह की पाइल होती है तो डायमीटर के हिसाब से इसका जो आइटम बनेगा वो आपका रनिंग मीटर में बनेगा। बाकी पाइल फाउंडेशन में हम लोग स्टील लाइनर भी यूज कर रहे होते हैं, केसिंग भी यूज कर रहे होते हैं, तो क्या उसका आइटम बनता है? जी हाँ, उसका भी आइटम बनता है, लेकिन यदि वो परमानेंटली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमेशा के लिए तो उसका हम लोग आइटम बनाएंगे। जो आपके स्टील लाइनर्स होते हैं तो उसकी जो आइटम बनेगी वो आपकी मीट्रिक टन में जाएगी, अगर परमानेंटली हम लोग वहां पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे तो व्हाट इज कट ऑफ लेवल इन पाइल फाउंडेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको सुनने को मिलता है कि कट ऑफ लेवल क्या होता है। आप सभी को पता है कि पाइल फाउंडेशन में आपका कट ऑफ लेवल क्या होता है, कि जहां से हम पाइल को कट कर रहे हैं वो आपका क्या है, पाइल कट ऑफ लेवल है, जिसके ऊपर की जो कॉन्क्रीट होती है वो आपकी अनसाउंड कॉन्क्रीट होती है, उसमें उतना सफिशियंट स्ट्रेंथ नहीं होता, तो हम उसको कट करके अलग कर देते हैं, वो पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, पाइल चिपिंग। तो कट ऑफ लेवल वो लेवल है जिसके ऊपर हम लोग पाइल की पूरी चिपिंग कर रहे हैं, और पाइल कट ऑफ लेवल के नीचे जितना पोर्शन है वो हमारा पाइल के मेजरमेंट में जा रहा होता है। आगे देखेंगे तो व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल यूज इन अ कंस्ट्रक्शन। तो आपने अलग अलग तरह का पाइल सुना होगा और हर एक पाइल का अपना इंपॉर्टेंस है, जो कि हम लोग साइट की सिचुएशन के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे तो आपकी एंड बेयरिंग पाइल्स होती हैं, फ्रिक्शन पाइल्स होती हैं, सीट पाइल्स होती हैं, और आपकी अंडर रिम पाइल्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है साइट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे होते हैं। कौन सी पाइल कहाँ पे यूज करते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट व्हाट आर दी कॉमन टेस्ट कंडक्टेड ऑन पाइल्स। तो पाइल के ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आप देखेंगे जो आपके कॉमन टेस्ट हैं उसमें आपका स्टैटिक लोड टेस्ट है, डायनेमिक लोड टेस्ट है, और आपकी पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको पाइल लोड टेस्ट के लिए एक आईएस कोड भी बताया था, तो जिसका आप यूज करेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल मिलेगा। बाकी स्टैटिक लोड टेस्ट में हम ये देख रहे होते हैं कि हम लोग स्लोली ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जो आपका पाइल है उसमें कितना सेटलमेंट आ रहा है। डायनेमिक लोड टेस्ट में क्या होता है, आपका सडन इम्पैक्ट लोड डाला जाता है, फिर हम चेक करते हैं कि उसमें कितना सेटलमेंट आया। लेकिन जो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका पाइल है वो आपका प्रॉपर कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कहीं पे वॉइड्स आ गए हों या फिर उसमें कहीं पे डिफेक्ट आ गया हो, वो सब आपको पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट से पता चलता है। बाकी टेस्ट के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम इस पे एक डिटेल वीडियो बना रहे होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइल एज पर आईएस कोड एंड आईआरसी। तो यदि हम लोग आईआरसी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो पाइल का डायमीटर है वो आपका 950 mm का है। अगर आप एज पर मॉर्थ देखेंगे तो जो पाइल का डायमीटर है वो आपका मिनिमम आपका 1 मीटर होना चाहिए, जो भी आपके रिवर वाले ब्रिजेस होते हैं या फिर जो आपका मरीन कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कम से कम आपको 1 मीटर का डाया चाहिए। यदि आप नॉर्मली जमीन के ऊपर आप कोई ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, कोई फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कम से कम 750 mm का डाया रखना होता है। बाकी जो नॉर्मली आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती है तो उसमें देखेंगे आप एज पर आईएस कोड कम से कम आपको 300 mm का डाया प्रोवाइड करना होता है, और अगर आप आईआरसी के हिसाब से देखेंगे तो आपको कम से कम 950 mm का डाया। तो ये अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन अ पाइल। तो दैट इज योर 0.4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम कास्टिंग अबव कट ऑफ लेवल। कि कट ऑफ लेवल जो आपको दिया रहता है डिजाइन में, जहां से हमें पाइल कट करनी होती है, तो उसके ऊपर आपको कम से कम कितना कास्ट करना है, कम से कम आपको 600 mm जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज ट्रिमी पाइप लेंथ इंसर्टेड अंडर कॉन्क्रीट। जब हम लोग पाइल में कॉन्क्रीटिंग का काम करते हैं तो उस समय ट्रिमी पाइप से कॉन्क्रीटिंग होता है और नीचे से स्टार्ट होता है, तो उसमें कम से कम आपका 1.5 मीटर का ट्रिमी पाइप इंसर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज इन अ पाइल। तो जो मिनिमम आपका आरसीसी का ग्रेड होता है वो आपका M25 पे, तो जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, आप फ्लाईओवर ब्रिजेस मेट्रो काम करते हैं, तो उसमें आपको M35 से कम में काम नहीं चलेगा आपका। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द स्लंप फॉर पाइल फाउंडेशन। आप पाइल में कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उसमें स्लंप कितना रखना है, तो वो आपका स्लंप है एस पर आप देखेंगे आईएस कोड, तो आपको कम से कम 150 से 200 के आसपास रखना पड़ेगा, कम से कम 150 तो चाहिए आपको। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ वर्टिकल स्टील रीइंफोर्समेंट इन पाइल केज। तो वो आपका
12 mm का डाया है और कम से कम आपको 6 बार तो प्रोवाइड करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत मिनिमम केस है, बिल्कुल लोएस्ट से लोएस्ट है कि आपको 12 mm का डाया रखना है और 6 सरिया डालने हैं। अगर वहीं पे हम बात करें आपका स्पाइरल रीइंफोर्समेंट की या फिर जो आपका रिंग आ रहा है, तो उसमें आपको कम से कम बिल्कुल लोएस्ट केसेस में आपको 8 mm का रिंग देना है और 150 mm की स्पेसिंग आपको रखनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे पाइल एम्बेडेड इन पाइल कैप, तो आपको ध्यान है कि जब हम लोग पाइल कट करते हैं तो आपका पाइल कट ऑफ लेवल होता है, लेकिन उसके बाद जो आपका पाइल है वो पाइल कैप में कितना एम्बेडेड होना चाहिए, तो वो आपका एज पर आईएस कोड बात करेंगे तो आपका 50 mm का है, बाकी आईआरसी के हिसाब से देखेंगे तो वो आपका 75 mm आपका एम्बेडेड होना चाहिए। आप सभी को पता है कि हम लोग पाइल फाउंडेशन में आपका लाइनर प्रोवाइड करते हैं, केसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, तो मिनिमम थिकनेस आपका एज पर आईएस कोड देखेंगे तो आपका कम से कम 6 mm का चाहिए, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। अब केसिंग आपकी परमानेंट भी हो सकती है और आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल कंडीशंस के ऊपर। तो क्या आपको पता है कि हम लोग किन कंडीशंस में परमानेंट केसिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि हमेशा के लिए होता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिस केस में हम लोग परमानेंटली आपका फुल लेंथ में आपका केसिंग या फिर आप बोलें कि लाइनर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपकी मरीन के लिए है या फिर आपका सॉफ्ट सॉइल प्रेजेंट है या फिर उसमें जो सॉइल है उसमें जो आपका सल्फेट कंटेंट है वो यदि आपका 1% से ज़्यादा है या फिर जो आपका सराउंडिंग वाटर है डेट हैज़ सल्फेट कंटेंट इक्वल टू और मोर देन 2500 ppm या फिर आपका लीकेज ऑफ सीवेज इज एक्सपेक्टेड, तो इन दिस केस वी प्रोवाइड लाइनर और यू कैन से केसिंग परमानेंटली। और आपको पता है कि कॉन्क्रीटिंग के लिए हम लोग ट्रिमी पाइप का यूज़ करते हैं, तो जो ट्रिमी पाइप का डाया है वो कम से कम कितना होना चाहिए? जो ट्रिमी पाइप का डाया है वो आपका कम से कम आपको 2 cm का चाहिए, ठीक है ना, वो भी आपका 20 mm डाउन एग्रीगेट के लिए। पाइल का हम लोग चिपिंग करते हैं पाइल कट ऑफ लेवल तक, तो जो आपका पाइल का चिपिंग हो रहा है उसमें आपको कितना टॉलरेंस मिलता है, तो आप एज पर आईएस कोड देखेंगे उसमें आपको प्लस माइनस 25 mm का टॉलरेंस मिल रहा होता है चिपिंग करते समय कट ऑफ लेवल में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन से आपसे ऑफसेट पूछ लिया जाता है कि जो आपका पाइल है उसके एजिस से जो आपका पाइल कैप है उसका कितना मिनिमम ऑफसेट होगा, मींस जो आपका पाइल है उसके कॉर्नर से और जो आपका पाइल कैप है उसका जो डिस्टेंस है वो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, उसका हम लोग ऑफसेट बोलते हैं, वो आपका 150 mm का ऑफसेट है, कम से कम आपको 150 mm रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की जो आपका पाइल होता है तो पाइल की जो वर्टिकलिटी होती है तो उस वर्टिकलिटी में कितना आपको टॉलरेंस मिल रहा होता है, तो पाइल की जो वर्टिकलिटी है उसमें जो आप देखेंगे टॉलरेंस वो टॉलरेंस है आपका 1 in 150 का, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हो सकता है डेट इज़ योर 1 in 150। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं पाइल से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू सो मच।